जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 4 मां विषय हिंदी भणीशुं। एमां 12मो पाठ छे भेड़िए की सुंदरता। भेड़िया एटले के वरु, वरुनी सुंदरता एवुं थाय छे एनुं गुजराती। तो हवे आ पाठनी अंदर एक वरु होय छे, एटले के भेड़ियो, ए पोतानी जातने खूब ज सुंदर समझतो होय छे। तो एक वार एवुं बने छे कि जंगलमां फरतो होय छे, फरता फरता अचानक एक झाड़ नीचे एक अरीसानो टुकड़ो पड्यो हतो। तो एनी अंदर पोतानो चेहरो जुए छे, तो पोतानो चेहरो जोईने गभराई जाय छे कि आ कयो प्राणी छे। तो ए चेहरो जोईने भागी जाए छे। त्यारे एने खबर पड़े छे कि हूँ केटलो खराब लागू छूं। तो आ रीते आपण पण क्यारे पोतानी जात उपर क्यारे अभिमान करवू जोईए नहीं। तो आओ आजे आपणे आ पाठ विषय समझीए। ए पहेला थोड़ाक शब्दार्थनी समजूती मेळवी लईए। तो शब्दार्थ भेड़िया एटले के वरु, भेड़िया एटले वरु, बहुत एटले खूब, बहुत एटले खूब, आईना एटले दर्पण, आईना एटले दर्पण, सूरत एटले चेहरो, सूरत एटले चेहरो, डरावनी एटले के डरामणी, डरावनी एटले के डरामणी। तो आओ हवे पाठनी समझूती मेळवीए। एक भेड़िया था, एक वरु हतो, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था, ते पोताने खूब ज सुंदर समझतो हतो। एक दिन जंगल में उसे आईना मिल गया। एक दिवस तेने जंगलनी अंदर दर्पण मळी गयुं। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। वरुए पोतानो चेहरो दर्पण में जोयो। बापरे इतनी डरावनी, बापरे आटलो डरावनो चेहरो। भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। वरु छे पोतानो चेहरो जोईने गभराई गयो। आईना वही छोड़कर वह भाग गया। दर्पण त्याज छोड़ीने ते भागी गयो। फरी एक बार समझिए। एक भेड़िया था, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे इतनी डरावनी, भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। आईना वही छोड़कर भाग गया। हवे बहु सरस मजानो पाठ हतो। तो आ प्रमाणेनुं चित्र पण एमां आपेलुं छे। तो आ पाठ उपरथी आपणने એવી શીખ મળે છે કે આપણે પોતાની જાત ઉપર ક્યારે પણ અભિમાન કરવો જોઈએ નહીં। હવે તેના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવીએ। સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતી શબ્દ લખીએ। અહીંયા હિન્દી શબ્દો આપેલા હશે, તેનું ગુજરાતી આપણે લખવાનું છે। સુરત, સુરત તો ચહેરો, સુરત તો ચહેરો। ભેડિયા એટલે કે વરુ, ભેડિયા એટલે વરુ। આઈના એટલે કે દર્પણ, આઈના એટલે દર્પણ। ડરાવણી એટલે કે ડરામણી। બહુત એટલે ખૂબ। જંગલ તો જંગલ, વન પણ થાય જંગલ। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન આવે છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। પ્રશ્નો આપેલા હશે, એના જવાબ તમારે પાઠના આધારે લખવાના રહેશે। તો પહેલા સવાલ હે, ભેડિયા અપને કો કેસા સમજતા થા, એટલે કે વરુ પોતાને કેવો સમજતો હતો। ઉસકા જવાબ આયેગા, ભેડિયા અપને કો બહુત સુંદર સમજતા થા, વરુ પોતાને ખૂબ જ સુંદર સમજતો હતો। દૂસરા સવાલ, આઈને ભેડિયેને આઈને મેં ક્યાં દેખા, વરુએ દર્પણમાં શું જોયું। ઉસકા જવાબ આયેગા, ભેડિયેને આઈને મેં અપની સુરત દેખી, વરુએ દર્પણમાં પોતાનો ચહેરો જોયો। ભેડિયા તીસરા સવાલ હે, ભેડિયા ક્યો ભાગ ગયા, વરુ કેમ ભાગી ગયો। તો ઉસકા જવાબ આયેગા,
भेड़िया अपनी डरावनी सूरत आईने में देख कर भाग गया। वरु पोतानो डरावनो चेहरो दर्पण में जोईने भागीने जतो रह्यो। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने भणावानी पण मने खूब मजा आवी, तमने भणवानी पण मजा आवी हशे। तो नोटबुकनी अंदर आ पाठनो स्वाध्याय शब्दार्थ सारा अक्षरे तमारे लखवानुं रहेशे। नेक्स्ट लेक्चर में फरीवार मळीशुं, ત્યાં સુધી આવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।